नमहावदन्नाय कृष्ण प्रेम कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौर कृष्ण नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद बोलो हरे कृष्ण राम हरे हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला भ्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला भ्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। कति जो ग्रंथ है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के उपदेशामृत है। कद अलग अलग समय पर अलग अलग भक्तों ने प्रभुपाद को अलग अलग प्रश्न किया है, इसलिए प्रभुपाद ने जो उत्तर दिया है कति ये ग्रंथ है प्रभुपाद ने जो उत्तर दिया इसको मैंने बड़ोत में भी कभी थोड़ी मैंने पाठ किया था, इसलिए आज एक दो प्रश्न उत्तर सुन लेते हैं। इसलिए विग्रह क्या साक्षात भगवान है, हम जो विग्रह को पूजा कर रहे हैं क्या ये विग्रह ही साक्षात ठाकुर जी है? तो इसलिए जो विग्रह है वो साक्षात भगवान है, इसलिए जीवों को कल्याण करने के लिए भगवान ये विग्रह रूप में प्रकटित हुए हैं। इनकी एक कथा आती है, बोले एक समय नारद जी घर घर में गए, सभी से पूछे सब ठीक ठाक हो, सबके सब सिर हिलाया, लेकिन जब उन्होंने अंदर की बात पूछने के लिए गए एक को भी जगत में सुखी उन्होंने देखा नहीं। कोई घर दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, दुखी 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 है। देख करके नारद जी वैकुंठ में गए, लेकिन देखा वहाँ पर तो ठाकुर जी अनंत नाग पर शयन किए हुए हैं, माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर रही थी और सारे देवता लोग शांताकारम भुजग शयनम उनको सुंदर स्तुति कर रहे थे। ठाकुर जी तो दुनिया को आपने सृष्टि किया? बोले हाँ। बोले सृष्टि किया तो आपने दुनिया को, और मैंने हर घर घर में गया, हर जीवों को पास में गया, सबको पूछा तुम ठीक ठाक हो, कोई भी संसार में ठीक नहीं है, कोई राइट नहीं, सबके सब रंग सबके सब मनते वो संसार में चैन में है, सब बेचैन में है। तब बोले प्रभु जब तक ये जीव तुम्हारी सेवा नहीं करता है, हैं तुम्हारी भक्ति नहीं करेगा, कहते राम विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर के जगत में किसी को सुख मिला है? जब तुम्हारी भक्ति सेवा करेगा तभी तो सुख मिलेगा, इसलिए कम से कम अपना सेवा तो दो जीवों को, तभी तो जीव का कल्याण होगा। इसलिए थोड़ी सी वैकुंठ से नीचे उतर, थोड़ा जीवों को सेवा दो। बोले मैं तो वैकुंठ में हूँ। बोले वैकुंठ किसी ने देखा? वैकुंठ किसी ने देखा? सुना हम लोगों ने, थोड़ी देखा है, थोड़ा नीचे उतर। बोले मैं रमा वैकुंठ में हूँ, एक वैकुंठ जो माया से ऊपर है, हैं ब्रह्मांड से ऊपर है, एक वैकुंठ जो ब्रह्मांड का अंतर्गत है,
बोले मैं रमा वैकुंठ में हूँ। बोले रमा वैकुंठ किसने देखा है? बोले और थोड़ा नीचे उतर, बोले स्वर्ग में भी हूँ। कहते इंद्र में हूँ। बोले स्वर्ग तो सब लोगों सुना स्वर्ग, लेकिन देखा नहीं ना, सुने। इसलिए किसने देखा स्वर्ग है, थोड़ा और तो नीचे उतर। तो बोले मैं जीव का हृदय में हूँ, सभी का हृदय में। कहते एक उसमें दो चिड़िया बैठे हुए, एक तोता तो खट्टा मीठा फल खा रहा है, लेकिन एक जो चिड़िया वो केवल साखी रूप में दर्शन कर रहा है, केवल साखी रूप में दर्शन करता है। कहते ये खट्टा मीठा फल कौन खा रहे? बोले जीव, कभी दुखी कभी सुखी, कभी दुखी कभी सुखी। बोले देख रहा है कौन? बोले परमात्मा। ये केवल साखी रूप में, किसमें इन्वॉल्व नहीं होते, यद्यपि हृदय में है लेकिन वो तटस्थ रूप में केवल देख रहे हैं। हमारे हृदय में ठाकुर तो है लेकिन दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है नहीं, हमारे अनुभूति नहीं। जब उन्होंने बोले तब ठाकुर जी जो विग्रह रूप में लड्डू गोपाल कृष्ण महाप्रभु राधा कृष्ण सीताराम लक्ष्मी नारायण रूप में नारद जी बोलने पर ठाकुर जी को ये नीचे उतर कर आना पड़ा है, नीचे उतर कर आना पड़ा। कहते ये एक कथा। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो कहते हैं भगवान की पांच रूप है, एक पर रूप है, एक बोम रूप है, एक ऐसे ऐसे उन्होंने पांच रूप भगवान की हैं, पांच रूप बताए। तब एक बढ़िया उन्होंने उदाहरण देकर समझाए। भले किसी व्यक्ति को बोले भैया मेरे को प्यास लग रही, बोले पानी देखो आकाश में जो मेघ है ना, आकाश में जो मेघ दिख रहा है उसमें पानी है, प्यास लग रहा है। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आकाश में पानी है, हाँ थोड़ी वो यद्यपि पानी है आकाश में लेकिन वो थोड़ी हमारे प्यास बुझा सकती है, वो प्यास नहीं बुझा सकती है। बोले भैया पानी पीना था अभी मुझे। बोले जाओ वहाँ नदी गंगा जमुना बह रहे हैं वहाँ पर पानी पी लो। बोले प्यास हमें यहाँ लग रहे हो, आप कहते हो गंगा जमुना चले जाओ, हाँ इतना दूर जाएंगे उसको पहले तो हम खत्म हो जाएंगे, इसलिए हमें तो पानी अभी चाहिए पीने का। बोले तुम जहाँ पर खड़े वहीं पर पानी है। बोले कहाँ पर? बोले नीचे देखो मिट्टी को, नीचे पानी उसको पी लो। बोले भैया प्यास लग रहे हैं, बोले नीचे का माटी मिट्टी तो पानी है लेकिन उसके लिए खुदाई करना पड़ेगा, फिर निकालना पड़ेगा, फिर जा पियोगे। बोले पानी है, हाँ बोले पानी दो। बोले तो ऊपर जो टांकी है ना उसमें पानी है, ऊपर का टांकी में पानी। बोले प्यास लग रहा है यहाँ पर और तुम हमें टांकी दिखा रहे हो वहाँ के पानी पी लो। तो बोले मेरे को पानी चाहिए। बोले पानी चाहिए ना? बोले देखो यहाँ पर बड़ी सुंदर टांकी लगी हुई और उसमें पाइप आया है और यहाँ पर टोटी लगी हुई है और ग्लास से लेकर के पानी को ग्लास से लेकर पी लो। हाँ बोले ये हमारे लिए सही है, ये सही है, हैं टोटी लगा हुआ ग्लास रखा हुआ पानी पी लो। कहते उसी तरह भगवान की विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते भगवान की पांच रूप है, हाँ बोम रूप पर रूप ऐसे परमात्मा रूप ऐसे पांच रूप उन्होंने बताए। लेकिन पांच रूप होने पर भी लेकिन हमारा लिए यद्यपि वो रूप है भगवान की लेकिन हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, हमारे लिए ये हैं उपयुक्त नहीं। हमारे लिए कौन उपयुक्त है? ये जो अंदर में ठाकुर जी बैठे लड्डू गोपाल रूप में राधा कृष्ण रूप में बैठे, ये हमारे लिए उपयुक्त है, हैं जैसे भगवान को दर्शन करना कोई साधारण बात है। कहते यद्यपि समाधिशु विधिरपि पश्यति न तब नखाग्र मरीचि, ब्रह्मा भी तपस्या करते करते जिनकी चरण की नख की छटा तक को भी स्मरण नहीं कर पाते। गणेश दिनेश सुरेश जाही निरंतर ध्यामे, हैं ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पद, भगवान का चरण ब्रह्मा शंकर नारद लक्ष्मी की उनकी अर्चित पद भगवान की है। इसलिए भगवान के इतना दुर्लभ है लेकिन भगवान जीवों को पर कृपा करने के लिए जो भगवान को दर्शन करना इतना दुर्लभ है लेकिन आज वो भगवान हो गए, ठाकुर का सबर दर्शन हो गया, बाहर दरवाजा खोलते ठाकुर का दर्शन हो गया, हैं
ठाकुर जी लड्डू गोपाल रूप में, राधा कृष्ण रूप में ठाकुर जी साक्षात यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ठाकुर जी इतने सुलभ हो गए, कभी कभी ठाकुर जी को जैसे लड्डू गोपाल है कभी हाथ में रख करके उनका स्नान कराते हैं, स्नान करा के फिर कपड़ा से पोछा लगाते हैं, लगाते कि नहीं ठाकुर जी को? आप भगवान को अपना हाथ की मुट्ठी में ले आए ठाकुर जी को, हैं? अरे जब इच्छा हो ठाकुर जी को भोग लगा। नारद जी भगवान को प्रसाद पाने के लिए कितने हजार साल तक माँ लक्ष्मी की उन्होंने सेवा की, केवल थोड़ी सी प्रसाद पाने के लिए। बढ़िया खाना बनाओ ठाकुर जी के सामने, तुलसी पत्ता से भोग लगा दो, बस प्रसाद पाओ। जो नारद इतने कठोर की, लेकिन अभी ठाकुर जी इतने सुलभ हो गए। ठाकुर जी को बड़े सुंदर सुंदर कपड़ा पहनाओ, ठाकुर जी को बड़े सुंदर सुंदर अलका तिलक लगाओ ठाकुर जी को, हैं? ये ठाकुर जी को साक्षात रूप में तिलक लगाओ, ठाकुर जी को सेवा करो, बस। इतने जो दुर्लभ भगवान ये सुलभ रूप में ठाकुर जी हमारे पास में सुलभ रूप में आ गए, इसलिए यही ठाकुर ही भक्तों के साथ में बात करते हैं, भक्तों के साथ में बात करते हैं। लेकिन करेंगे कब? जब इनकी प्रीति को साथ में सेवा करोगे। देखो आपको एक भक्त का कथा सुनाता हूँ। भक्त मतलब नहीं, हमारे वृंदावन में एक रमेश नगर से एक माता जी आती थी। हाँ वो माता जी रमेश नगर से माता जी आती थी, इसलिए हाँ अम्मा, हाँ अम्बा जी आती थी। वो क्या करती थी, उसको तीन चार ही उसको लड़के हैं, उसको एक दो लड़का विदेश में भी है भारत में भी है, उनका हर बच्चे को जो हाथ खर्चा की पैसा देती थी, लेकिन वो कभी भी वो पैसा को एकदम साधारण साड़ी पहनती थी, एकदम साधारण साड़ी, अपना लिए कोई भी बढ़िया कीमती साड़ी नहीं, एकदम साधारण। लेकिन वो जो बच्चे हाथ खर्चा देते थे वो कुछ भी खर्चा नहीं करती थी, उसको जमा करती थी, वो पैसा को जमा करती थी। क्या करती थी, महीना में एक बार वृंदावन आएगी, वो जो पैसा उसको हाथ खर्चा के लिए दिए मटके संतों को बुलाएगी, और हम लोग तो सब सब्जी साग सब्जी सब बना देते थे, लेकिन वो बहुत बढ़िया कढ़ी बनाना जानती थी, वो अपना हाथों से कढ़ी बनाती थी, और जिसको जितना उबाल उतना बढ़िया बनता है, उसका छोंक बड़े अच्छे तरह से छोंक देती थी। वो बड़े शौक थी, दोनों पति पत्नी आकर के सारे संतों को सेवा करती थी, और उसको पास में राधा रोज शाम को हारमोनियम से ठाकुर को बड़े सुंदर सुंदर पद सुनाया करती थी। और जब जब वृंदावन में आती थी तब तक यहाँ से एक नंदकिशोर का एक वहाँ पर ये ठाकुर जी का जो कपड़ा बेचता है, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा, ऐसे नहीं घटिया कपड़ा नहीं, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा लेकर के जाएगी। ये नहीं सोचेगी नहीं ठाकुर का तो 10 सेट 20 सेट है इसलिए और क्या खरीदी करने का जरूरत है, नहीं, जब जब आएगी जाएगी तो तीन सेट बढ़िया से बढ़िया कपड़ा लेकर जाएगी और ठाकुर को, और रोज अपना हाथों से ठाकुर जी को अपना हाथों से स्नान कराएगी, स्नान करा करके कपड़ा पहनाएगी, तिलक लगाएगी ठाकुर जी को, और 1,00,000 रोज हरिनाम करती थी। 1,00,000 जब वो एक महीना में आती थी, यमुना में जब जाती थी 30 गोता लगाती थी, 30 दिन के लिए वो 30 गोता लगाती थी, 30 दिन नहीं आ पाया, 30 दिन में एक दिन आया। जब राधा दामोदर में जाती थी 30 परिक्रमा लगाएगी राधा दामोदर, रोज और मेरे साथ में सारी बात करती थी। मेरे को कभी बोलते बाबा ये जो ठाकुर बड़े नटखट ठाकुर है, वो अपना अनुभूति कहती थी, बोले जब कभी मैं खाना बना कर खिलाती ना, अगर उसको पसंद नहीं, मेरे को अनुभूति होती तो मुंह फुला कर बैठा है, बोले नहीं हमें ये पसंद नहीं, हमारे लिए और कर दो। और जब ठाकुर को हमने कपड़ा पहनाया करती थी, अगर उसका पसंद नहीं होगा तो पहनेगा नहीं, अपने आप निकल जाएगा, फिर मैं समझ जाऊँगी आज ठाकुर को ये कपड़ा पहनने का इच्छा है ही नहीं, फिर मैं दूसरा कपड़ा पहनाती थी, लेकिन वो दूसरा कपड़ा भी निकल जाती थी अपने आप, दूसरा कपड़ा निकल जाती थी, फिर मैं क्या करती थी, फिर और एक कपड़ा पहना करती थी, जब तक उसका मन पसंद नहीं होगा तब तक हैं। और कहती ये अद्भुत अद्भुत लीला करती हैं, हाँ वो बताया करती थी, सारे उनकी बात बोलती थी। बोले एक बार मैं जा रहा था
काम्य बनते होकर के जयपुर जा रहा था, और अपना हाथों में जहाँ जहाँ जाएगी ठाकुर को साथ में लेकर जाएगी, कभी भी ठाकुर को छोड़ करके नहीं जाएगी, अपना ठाकुर को साथ में लेकर के जाएगी। बड़े सुंदर उन्होंने झाड़ी या टोकरी थी साइन करा के अपना साथ में सारे ठाकुर को ले जाएगी, और लेकर के अपना हाथों में खिलाना, अपना हाथ में उनको श्रृंगार करना। शरीर छोड़ी चीते को उसको अंतिम इच्छा थी, मेरे शरीर को मैं कहीं भी शरीर छोड़ू, मेरे को वृंदावन में दाह संस्कार करना है, दाह संस्कार वृंदावन में करना। देखो कैसे शरीर छोड़ी उसने, उसी दिन मेरे पास में फोन आया जिस दिन शरीर छोड़ेगी। हाँ उसी नाम से मेरे को बोलती थी, बोले महाराज जी मैं पैसा कुछ भेज रहा हूँ, और संतों को प्रणाम देने के लिए अलग पैसा भेज रहा हूँ, और वहां पर सारे संतों को प्रसाद खिला देना। सवेरे मेरे पास में फोन आया, सवेरे फोन आया, थोड़ी देरी बाद में सुना शरीर छूटा, शरीर उसको छूट गया। मतलब बोलते बोलते वो बात करते करते सवेरे मेरे को बोले भेज रहा हूँ संतों को प्रसाद खिलाना, लेकिन वो थोड़ी देर बाद में फोन आया अम्मा जी ने शरीर छोड़ दिया है, हैं? वो कार्तिक महीना में फिर कार्तिक महीना में उसने शरीर छोड़ा है। इसलिए जीवनम अनाराधित गोविंद शरणम भजनम कथम स्या। देखो ये भागवत का श्लोक है, इसका मतलब है अनायासेन मरणम, बिना दुख कष्ट के मृत्यु होना। कष्ट के हमारी जीवन को बिताना, किसका जीवन ऐसे बीतता है, बोले अनाराधित गोविंद शरणम कथम स्यात्। बोले जब तक भगवान की भक्ति नहीं करोगे तब तक तुम्हारी अनायास में जीवन भी नहीं जाएगी, और निश्चित रूप में तुमने हाँ अनायास में मर भी नहीं सकते हो। बोले तब भी जाए करे होगा, कैसे, जो गोविंद की भक्ति करोगे भजन करोगे उनकी कृपा से ही जीवन तुम्हारी आनंदमय बीत सकता है। और मृत्यु का समय में आप लोगों को देखना कितने सालों सालों से पड़े रहते हैं, हाँ सड़ते रहते हैं बिस्तरा में, सड़ते रहते हैं, प्राण नहीं जाती है सहज में, हैं? लेकिन भागवत कहता है उसका ही जीवन प्रभु जाना। हाँ एक कैलाश प्रभु थे, गांव के एकदम मूर्ख आदमी है, एकदम मूर्ख आदमी, गांव के एकदम मूर्ख आदमी है, लेकिन इसका भावना कैसे है, हैं? ठाकुर को जो आरती है ना जब होगा वो बोलेगा मैं आरती सबको लेकर मैं आरती दिखाऊंगा, और एक ठाकुर जी को जो बर्तन है जो जिसमें ठाकुर की अर्चन की बर्तन किसी को मलने नहीं देगी, और एक माता जी वो जोर जबरदस्ती करना चाहती थी, एक दिन सवेरे तो महाभारत हो गया, हाँ महाभारत हो गया दोनों में, कहती ये मैं मलूंगी, ये कहते मैं मलूंगी दोनों में, लेकिन ये मल करके छोड़ेगा, हाँ तो ठाकुर को बर्तन हम किसकी मलने नहीं देंगे। और जो रूप सनातन में नाट मंदिर है उसको अपना हाथ से पोछा लगाएगा, अगर कोई पोछा लगा दिया ना लड़ पड़ेगा, अगर पोछा लगा दिया ये नहीं छोड़ेगा तो तू लगाए लगा मैं लगाऊंगी, हैं? वो मंदिर को पोछा लगाएगा। और सवेरे जैसे नाश्ता होती, देखो उसकी भावना, इतने मूर्ख आदमी भावना कैसे, कहते जब तक सवेरे कुछ सेवा नहीं करेगी ठाकुर जी को वो ठाकुर का प्रसाद नहीं पाएगा। मैं बोलता तो कैलाश प्रभु प्रसाद पाल, बोले पति का अभी तक मैंने कुछ सेवा नहीं की, मंदिर में जब तक उनकी सेवा नहीं करूंगा तब तक उनका प्रसाद कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। इसको मैंने आश्चर्य, गांव के मूर्ख आदमी है, मूर्ख आदमी गांव के, भावना क्या है, बोले जब तक उनका सेवा नहीं करूंगी पति की तब तक मैं भोजन कैसे कर सकता हूँ, भोजन नहीं कर सकता हूँ। तब तक वो भोजन नहीं करेगा जब तक सवेरे ठाकुर जी कुछ सेवा नहीं कर लेगा। वो बोलता था ठाकुर का हम ऋणी बन जाएंगे,
एक व्यक्ति खाने के लिए कितने कष्ट करता है, आठ आठ दस दस घंटा काम करके भोजन तभी मिलता है। और जब तक हम मंदिर में रह रहे हैं, जब तक पति का सेवा नहीं, और जो चावल आता था एक एक बिनता था, उसमें एक भी धान नहीं होनी चाहिए। सब्जी अमणिया करता था, हाँ सब्जी अमणिया करता था। और कभी भी अगर जब सारे सेवा खत्म हो जाएगा ना, बस बैठ करके माला लेकर के अरे माला जप करता था, भगवान माला। और देखो उसका मृत्यु कैसे, एकादशी का दिन मृत्यु हुई, एकादशी का दिन मृत्यु हुई। और जब जब वो सोता था, जो गंभीरा है ना, गंभीरा जो वो गंभीरा बीच में जो रूप सुना, वो इसमें रहता था, रह करके लास्ट जब वृद्ध हो गए, अभी घुटन में उनको दर्द होता था, लेकिन जब सोते, जब आरती होगी, आरती होगी, वो जो कुछ बोलता था मुंह खोल करके, मैंने मैंने कैलाश ठाकुर का आरती होगी, उठो। मतलब बहुत लास्ट में चलने में दिक्कत होता था, रॉड को पकड़ पकड़ चलते थे, बोले उठो, उठोगे नहीं, आरती होने जा रही है, अब सुना है तुम्हें, नहीं सुना, उठ जाओ कैलाश, उठो। ठीक आरती का समय में ठीक उठ करके आ जाएगा। आकर के चलने में कष्ट होता था, ठाकुर का आरती के बाद में सबका आरती दिखाना, सेवा करना करता था। और जब इसे शाम को 4 बजे जैसे रूप सनातन में कथा होती थी, उड़िया प्रभु, उड़िया प्रभु, बोले कीर्तन का समय हो गया, अभी कीर्तन आरंभ नहीं हुआ, उड़िया प्रभु, हाँ उड़िया प्रभु, अभी हाँ कीर्तन सुर नहीं हुआ, कीर्तन टाइम हो गया कीर्तन का, पता नहीं उसको बिना घड़ी के एकदम 4 बजे ठीक मेरे को पुकारना शुरू कर देंगे, हैं। और जब तक मैं कीर्तन में नहीं बैठूंगा ना, तब तो अभी ठाकुर का कीर्तन नहीं हो रहा है, 4 बज गया ऐसे। और जब मृत्यु हुई, खा पी करके दोपहर में प्रसाद पाए, प्रसाद पाकर खा पी करके सोने के लिए गए, हैं सोने के लिए गए, और सोते सोते ही कार्तिक में एकादशी का दिन शरीर छोड़ा, सो कर गए दोपहर में। लेकिन शाम जब हो गया, देखा वो कीर्तन में नहीं आते हैं, जब कीर्तन में जो बाबा जी महाराज अभी है, बोले अभी तक वो कीर्तन में क्यों नहीं आए, क्या बात, रोज तो कीर्तन में आते थे, जाकर देखा बस शरीर छोड़े हुए, शरीर छोड़े हुए। इसलिए कहते जो भगवान के जीवन में निष्कपट होकर के भगवान की भक्ति पूजा सेवा करेगा ना, मैंने देखा उसका जो जीवन है आसानी से बीत जाती है, और उसका जीवन बड़े आनंद पूर्वक जाते हैं, और अनायास में कब चलते बोलते 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 शरीर छोड़ जाती, शरीर छोड़ जाती है। वो जो अम्मा जी थी दिल्ली की, सारे वैष्णव लोग गए, संत लोग गए, क्यों, सारे संतों को भोजन देती थी, कपड़ा लता देती थी, हाँ सब आकर के कपड़ा देगी। और जो चंदन यात्रा में, चंद्र यात्रा में तुम छेले बोले ना, चंद्र चंद्र यात्रा में आकर के प्रसाद देगी, पूरा के पूरा प्रसाद, कार्तिक में आकर के प्रसाद देगी, और कंबल ले आएगी, कपड़ा ले आएगी, जो का ला करके अपने हाथों से सारे वैष्णवों को, अपने हाथों से वैष्णवों को देगी, इतने भावना पूर्वक करते थे। हाँ गर्म जलेबी, कभी कभी घर घर जले की सिंगड़ा, हाँ और कचौड़ी, वैष्णव आए ठाकुर को ये भोग लगा, ठाकुर जी को ये भोग लगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कहते जो विग्रह है, जो ठाकुर जी है, भैया ये साक्षात भगवान है, आप इनको, मैं एक माता जी घर में जाता था मथुरा में भिक्षा के लिए, वो कानू घोष का नाम है, वो टेम्पियार में रहती थी, उसको घर में गिरिराज शिला था, वो मेरे को बोलती थी, अरे महाराज जी ये जो गिरिराज शिला में मेरे को अलग अलग रूप दिखता है, कभी तो राम रूप में दिखते हैं, कभी नरसिंह रूप में दिखते हैं, कभी कृष्ण रूप में दिखते हैं। ये ठाकुर को वो सेवा करती थी, बड़े प्रेम पूर्वक सेवा करती थी, और बड़े गुरुदेव का खूब सेवा की, प्रचार उसने गुरुदेव की, घर घर में कीर्तन जाकर गुरुदेव का प्रचार की, बोलती ठाकुर जी मेरे को बोलती थी, मैं भिक्षा में जाता था उनके घर में, सीधा भिक्षा में जाता था, बोले बाबा महाराज जी इनके अंदर मेरे को अलग अलग रूप दिखता है ठाकुर जी को, अगर ठाकुर को सही सही सेवा करो ना, ठाकुर जी को प्रेम से सेवा करो, ठाकुर जी अलग 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 आपको अनुभूति कराएंगे, हैं। लोकनाथ दास गोस्वामी जब श्री राधा विनोद जी को प्रकट किया, हैं प्रकट किया, तो ठाकुर जी कहते हैं
बड़े दिनों में पानी में पड़ा हुआ था, भोजन नहीं किया, अरे मेरे लिए तो भोजन बनाओ। अभी रोटी सब्जी चावल बनाए, जब दिया ठाकुर को, बोले बगैर चाटनी के आनंद आता है, थोड़ा चाटनी तो बनाओ। तब इमली पता की चाटनी बनाया, ठाकुर जी भोजन किए, बोले बड़े दिनों से मैंने सोया नहीं, बिस्तरा की व्यवस्था कर दो। तब फूलों की सज्जा बनाई, ठाकुर को जब शयन दिलाया ठाकुर जी को, बोले नींद नहीं आ रहा है, थोड़ा पैर तो दबा दो। उसके बाद जब पैर दबाए, बोले ठंड गर्मी लग रहा है, थोड़ा हवा तो करो। फिर उन्होंने कोमल कोमल पत्ते ला करके ठाकुर जी को उन्होंने हवा करवाए। ठाकुर जी साक्षात बोलते हैं, ठाकुर जी बात करते हैं ठाकुर जी, इसलिए इनका नाम है विग्रह। विग्रह मतलब क्या, जो विशेष रूप में भक्तों का सेवा को जो ग्रहण करते हैं, भक्तों की भावना को सेवा को जो ग्रहण करते हैं वह विग्रह है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं विग्रह न तुम साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। इसलिए महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को दर्शन करते थे, बोले ये विग्रह नहीं, मेरे को तो साक्षात कृष्ण रूप में दर्शन कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु का है ना, कदाचित कालिंदी तट विभिन्न संगीत तरल मुदाभिरी नारी बदन कमल आस्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। इसलिए महाप्रभु जब दर्शन करते थे किस रूप में, बड़े सुंदर श्री वृंदावन धाम, जहाँ पर सुंदर कलकल नाद से यमुना प्रवाहित हो रही है, जहाँ पर बेली चमेली जूई सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, जहाँ पर सुंदर कदम वृक्ष है और जहाँ पर कृष्ण खड़े होकर के बंसुरी बजा रहे हैं, और उदाहरण दिया गोपियों की मुखारविंद जैसे कमल है, और जैसे कमल के ऊपर में भंवरा मंडराते हैं, उसी तरह कृष्ण रूपी जो भ्रमर है क्या कर रहे हैं, गोपियों के मुखारविंद रूपी कमल के ऊपर में ठाकुर जी मंडरा रहे हैं। ऐसे जो जगन्नाथ हैं, इनकी चरण को ब्रह्मा शंभु अमरपति इंद्र गणेश जिनके चरण की सेवा करते हैं, कब मेरे दृष्टिपथ में ठाकुर का था? ठाकुर जी कब मेरे दृष्टि में कब उदय होएंगे ठाकुर जी इस रूप में। इसलिए कहते हैं प्रतिमा न हो तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री विग्रह भगवान अर्चा अवतार। कहते जो विग्रह क्या है, कहते भगवान के अर्चा अवतार है, कहते भगवान पूजा सेवा को ग्रहण करने के लिए ठाकुर जी ये स्वरूप को ठाकुर जी ग्रहण किया। निज हृदय देवताई बाहिरे मूर्ति रूपे प्रकाशित। तब जैव धर्म में बताए, कहते भैया भक्त लोग तो कहते हैं प्रेमांजन छुरी तो भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सु बिलोक। हृदय रूपी मंदिर में संत लोग भगवान का दिव्य मूर्ति को हैं हृदय में सब समय दर्शन करते हैं। बोले कब दर्शन करते हैं, जब प्रेम रूपी अंजन अपना आंखों में लगाए तभी दर्शन करते हैं। कहते फिर ये विग्रह रूप में फिर क्यों स्थापन किया। कहते हृदय में तो हर समय दर्शन करते रहते हैं, फिर ये ठाकुर रूप में फिर प्रकाशित क्यों किया। तब जैव धर्म में वहाँ पर प्रश्न करते हैं, तब उन्होंने बोले हृदय में तो ठाकुर जी कभी कभी दर्शन करते हैं, कभी कभी दर्शन करते हैं, लेकिन जब फिर अंतर ध्यान हो जाता ना फिर दुखी हो जाते हैं। इसलिए वो हृदय में जो रूप उन्होंने दर्शन किया है वही रूप को ही उन्होंने सामने प्रकटित किया है। जब ये ठाकुर को दर्शन करते हैं हृदय में, ठाकुर को दर्शन उन्होंने किया है हैं, कभी को दर्शन करते हैं जब हृदय में, जब ये ठाकुर का दर्शन करते जो हृदय का जो देवता है इनको देख करके हैं प्रसन्न होते हैं, उनका ही उद्दीपना होता है। इसलिए उन्होंने साक्षात रूप में उन्होंने प्रकाशित किया। इसलिए कहते हैं ये विग्रह को क्या करनी चाहिए, बढ़िया रूप में उनको सेवा पूजा करो। इनके सेवा पूजा करने से कलयुग में मैं दो रूप में प्रकटित होऊंगा, एक तो मैं एक नाम रूप में प्रकटित होऊंगा, दूसरा रूप है फिर ये श्री विग्रह रूप में प्रकटित होऊंगा। इसलिए मैं दो रूप में कलयुग में ये दो रूप में प्रकटित होऊंगा। इसलिए ये साक्षात भगवान है, इनकी भक्ति से ही इनकी सेवा पूजा से एक दुनिया में साक्षात भगवत प्राप्ति इनकी सेवा पूजा से ही होगा। और सही सही करेंगे तो ठाकुर हमारे साथ में बात भी करेंगे,
जैसे सनातन गोस्वामी के साथ में बात करते थे, हैं श्री हमारे संतों को साथ में ठाकुर जी, जैसे माधवेंद्रपुरी को साथ में बात करते थे, शरीर में गर्मी है जाओ चंदन लेकर के लाओ मेरे शरीर में लगाओ। फिर खीरचुरा गोपीनाथ पर पहुँचे तो ठाकुर जी खीर चोरी किया, बोले तुम इतना दूध ले जाओगे, मैं और गोपाल में कोई फर्क नहीं, यहीं पर चंदन घिस कर मेरे शरीर में लगाओ, अगर मेरे को लगाओगे तो वहाँ अपने आप ठंडक हो जाएगा शरीर, इसलिए अगर हम सही सही करेंगे तो यही ठाकुर हमारे साथ में बात भी करेंगे। ठीक है, निताई गौर प्रेमानंदे वंशाकल दुर्भस्य कृपा सिंधु वच पतिता नाम भावने भो वैष्णव भवन मनो। ठीक है, तुम लोग चले जाओ, जल्दी खत्म कर दिया ना। जैसे विग्रह तो हर जगह विग्रह होते हैं, इतने सारे विग्रह हैं, तो क्या सबको एक ही रूप में मानना चाहिए? हाँ और क्या, लेकिन वहाँ पर एक बताए, बोले यदि महत भीर प्रतिष्ठितम, कहते अगर कोई किसी महापुरुष को द्वारा जो विग्रह प्रकाशित तो होता है उसका विशेष महत्व है, हैं जैसे हमारे घर में भी तो ठाकुर है, लेकिन फिर हम वृंदावन फिर क्यों जाते हैं, फिर हमारे घर में ठाकुर फिर हम जयपुर क्यों फिर जाते हैं, गोविंद देव गोपीनाथ मदन मोहन को फिर दर्शन करने के लिए क्यों जाते हैं, कारण क्या है? उसका कारण बताए, कहते जो ठाकुर जितने बड़े महापुरुष को द्वारा स्थापित हुआ हो उसका उतना महत्व है, जैसे गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन इनका महत्व क्यों, कहते उनको जिन लोगों ने स्थापन किया डायरेक्ट जिन्हें कृष्ण दर्शन किया है, हाँ उत्तरा माँ ने कृष्ण को साक्षात दर्शन किया है, हाँ उन्होंने स्थापित किया, बज्रनाभ ने स्थापित किया है, इसलिए कृष्ण का पवित्र स्थापन किया। कहते जो जितने बड़े महापुरुष है उनको द्वारा जो विग्रह जो जो स्थापित की जाती है वो विग्रह का उतना ही ज़्यादा महत्व, ज़्यादा उसको उतना ही देते हैं। हमारे घर में भी गोपाल है, लेकिन फिर हम वृंदावन जाते हैं दर्शन करने के लिए, फिर हम बड़े दूर दूर तक ठाकुर को दर्शन करने के लिए क्यों जाते हैं, वो उतना बड़े महापुरुषों को वो ठाकुर जी स्थापित किया हुआ, इसलिए उसका विशेष विशेष उसकी महत्व है वो ठाकुर जी। ठीक है, तुम लोग चले जाओ, इसको बंद कर दो।